जिन लोगों ने भी घटना को अंजाम दिया है पूरा हिसाब बराबर किया जिन लोगों ने भी घटना को अंजाम दिया है पूरा हिसाब बराबर किया है। नमस्कार, चलने वन देख रहे आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। डांगरी में जिस तरीके से वारदात पेश आई जहां पर कई लोग जख्मी हो गए और 6 लोगों की मौत हो गई, उन 6 लोगों में से 2 मासूम बच्चे थे जिनकी मौत हो गई और ऐसे कई सारे मासूम बच्चे हैं जो घायल हैं। वहीं पर आज डोडा, किश्तवाड़ और भद्रवाह में बंद की कॉल दी गई है। वहीं पर लोगों का ये भी कहना है कि 90s का माहौल बनाने की दोबारा से कोशिश की जा रही है। जहां पर आपको याद होगा कि कुल्हांड कांड और साथ ही साथ देसा कांड, जहां पर टारगेट फैमिली को टारगेट किया गया था और कई लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग जख्मी हो गए थे। वहीं पर अलजी मनोज सिन्हा भी रजौरी में पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन आज भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़ में बंद की कॉल दी गई है। वहीं पर लोग ये भी कह रहे हैं कि 90s का माहौल बनाने की दोबारा से कोशिश की जा रही है। अलजी मनोज सिन्हा ने क्या कुछ कहा है आइए सुनते हैं। जिन लोगों ने भी घटना को अंजाम दिया है पूरा हिसाब बराबर किया है। दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना हुई है, सूचना मिलते ही जो भी आए हैं, उनके जितने भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी डीजीपी और पहले ही आ गए थे जो लोग काम कर रहे हैं, मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे बातचीत की है। ये पता है कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता, प्रशासन का अपना धर्म है, जो व्यवस्थाएं हैं उनका पूरा इस्तेमाल करके उन परिवारों की देखभाल हम लोग करते हैं। सरकारी नौकरी भी देंगे, आर्थिक मुआवजा भी देंगे। कुछ कंसर्न उन लोगों ने उठाए हैं, उन कंसर्न को भी हम हल करेंगे। अभी सिक्योरिटी की भी मीटिंग की गई, 2-3 फैसले हम लोगों ने किए हैं। एक तो इस मामले की गंभीरता से जांच और तह तक पहुंचना, क्योंकि ये नापाक कोशिश है फिर से वो स्थिति लाने की, वो कभी हाल में नहीं होने दिया जाएगा। कुछ लोगों ने सवाल उठाया है लैप्सिस का, तो उसके लिए एक इंक्वायरी गठित करके पता करेंगे और इंक्वायरी की रिपोर्ट के आधार पर आर्मी के लोग भी थे, ये लोग भी पूरी मुस्तैदी से इस इलाके में आने वाले दिनों में प्रभावी कार्रवाई हो ये कोशिश की जाएगी। और जिन लोगों ने भी घटना को अंजाम दिया है पूरा हिसाब बराबर किया जाए। सर, ये गांव जो है मिनोरिटी कम्युनिटी के हैं, यहाँ पर क्या कोई स्पेशल पोस्टें बनाई जाएगी ऐसे गांव को प्रोटेक्ट करने के लिए? सबको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी मेजर्स लेने होंगे वो लिए जाएंगे। इस गांव के लोगों को भी और भी कहीं संभावित होगा तो वहाँ। अलजी मनोज सिन्हा ने यह साफ तौर पर कहा कि जिन भी लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है उनसे हिसाब जरूर लिया जाएगा। वहीं पर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जान को कोई मुआवजा नहीं है, लेकिन जख्मी लोगों को 1,00,000 दिया जाएगा और साथ ही साथ जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनके परिवार वालों को 10,00,000 दिया जाएगा। साथ ही साथ सरकारी नौकरी दी जाएगी फैमिली मेंबर के एक पर्सन को। वहीं पर इन्होंने ये भी कहा है कि जाँच जारी है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इसका पूरा हिसाब लिया जाएगा। देखते रहिए चैनल।